हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2019 के इतिहास के प्रश्नों को देखने वाले हैं, साथ ही उसकी व्याख्या भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर बल्ख और बदख्शा से संबंधित। तो यहाँ पर देखते हैं बल्ख व बदख्शा पर मुगल सैन्य अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला, यहाँ पर मुगल सम्राटों की घोषित इच्छा थी कि वे अपनी पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त करें। दूसरा है शाहजहां बल्ख व बदख्शां के शासक नजर मोहम्मद को दंड देना चाहता था, जिसकी काबुल पर निगाहें थीं। तीसरा है शाहजहां दारा शिकोह को बल्ख के स्वतंत्र शासक के रूप में गद्दी पर बैठाना चाहता था। और चौथा ऑप्शन है शाहजहां शहजादे औरंगजेब को बदख्शां की जागीर देना चाहते थे। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएंगे वो है, पहली तो वो उनकी पैतृक भूमि थी तो वो प्राप्त करना चाहते थे, और दूसरा कि वहाँ का जो शासक था नजर मोहम्मद उसको दंड देना चाहते थे। तो यहाँ पर पहला और दूसरा जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। शाहजहां को काबुल पर बार बार होने वाले उज्बेकों हमलों तथा बलूच एवं अफगान कबीलों के साथ उनकी साजिश की चिंता थी, जिसकी प्रमुख इच्छा थी कि वे अपनी पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त कर सकें, जिसके लिए उन्होंने मुराद के नेतृत्व में बल्ख व बदख्शां के शासक नजर मोहम्मद को दंड देने के लिए भेजा और वहाँ पर अधिकार कर लिया। दूसरा ऑप्शन है फरमान किसके द्वारा जारी किया जा सकता था। फरमान जो है किसके द्वारा जारी किया जाता था, तो राजाओं के द्वारा। व्याख्या देखते हैं। प्राचीन काल से शासन करने वाले राजाओं द्वारा प्रजा सैनिकों व अन्य देश के राजाओं के प्रति फरमान जारी किया जाता था। इस फरमान को मानने के लिए सभी बाध्य होते थे, यानी कि एक बार फरमान जारी हो गया तो सभी आम व्यक्ति हो या कोई भी हो सभी उसको मानते थे। जो इस फरमान को मानने से इनकार करता था राजा द्वारा उन्हें दंड का भागीदार बनाया जाता था। इस परंपरा को दिल्ली सल्तनत व मुगल वंशीय शासकों में अत्यधिक देखे गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, तर्क हैं यहाँ पर ए और आर, उसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सही व्याख्या कर रहे हैं। तो पहला है डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कोई अन्य दलित वर्ग को अपने स्वयं के विकास के लिए जागृत और एकजुट करने में सफल नहीं रहा, क्योंकि उन्हें उसकी अस्मिता भाव प्रदान किया। और यहाँ पर आर है डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण व्यक्तित्व एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के मुखर विरोध के प्रति समर्पित था, जिसने उन्हें और उनके लोगों के जीवन को सामाजिक बहिष्करण, भौतिक वंचना और सामाजिक आघात और अपमान की ओर धकेला था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो है यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, और उसकी जो व्याख्या है वो भी यहाँ पर जो है वो सही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर भीमराव राम जी अम्बेडकर एक विद्वान समाज सुधारक और एक नेता थे। उन्होंने भारत में सामाजिक असमानता को मिटाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने अपने जीवन में तीन महापुरुषों को गुरु माना। पहले हैं महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इन सभी ने दलित वर्गों को एकजुट करने का प्रयास किया, परंतु अंबेडकर जी ने इसे गति प्रदान किया व दलित लोगों को सामाजिक बहिष्करण, भौतिक वंचना और सामाजिक आघात व अपमान से बाहर निकालकर उनके लिए नए कानून बनाए। उन्होंने 1927 में सार्वजनिक पेयजल संसाधनों तक अस्पृश्यता और जासूसी की पहुंच के खिलाफ सक्रिय आंदोलन और हिंदू मंदिरों में प्रवेश के अधिकार का फैसला किया। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने पर उन्हें केंद्रीय कानून मंत्री और संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त
किया गया, उन्हें भारत के संविधान लिखने की जिम्मेदारी मिली थी। तो ये कुछ अम्बेडकर जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, इनको हमें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल के अंतिम वर्षों में वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई? तो यहाँ पर वतन जागीर की बात की जा रही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा अकबर। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, उसकी व्याख्या देखते हैं। मनसबदारों को वेतन नगद व जागीर दोनों के रूप में देने की व्यवस्था थी। कार्यकाल के समय मनसबदारों के मरने पर उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था। इस प्रकार मनसबदार का पद जो है अनुवांशिक नहीं था। मनसबदारों की जागीरें एक प्रांत से दूसरे प्रांत में स्थानांतरण कर दी जाती थी, यानी कि एक जो मंत्री है उसका अगर कहीं और पर ट्रांसफर हो गया तो वहां पर उसको जागीर भी जिस क्षेत्र में है वो स्थानांतरित कर दी जाती थी। ऐसे जागीर को क्या कहते थे? वतन जागीर भी कहते थे। तो यहाँ पर वतन जागीर याद रखना है कि वतन जागीर होती क्या थी। तो जागीर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में स्थानांतरित कर दी जाती थी, उसी को ही वतन जागीर कहा जाता था। अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में यह नियम बनाया गया कि किसी भी मनसबदार का सवार पद उसके जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला है, सामाजिक सुधार व बौद्धिक जागरण के लिए उनके प्रयासों का मूलभूत सिद्धांत मानवता थी। आगे है, वे प्राचीन पुनर्व्याख्या की प्रभावोत्पादकता में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक देशज शिक्षा के प्रसार के लिए अथक प्रयास किया था। और डी है, उन्होंने मानव समानता पर आधारित सामाजिक सुधार के लिए कार्य किया था। तो यहाँ पर सही विकल्प चुनना है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर को बंगाल में पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक माना जाता है। उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य जो थे, उन्होंने विधवा विवाह कानून और नारी शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई। दूसरा जो है, उन्होंने सामाजिक सुधार व बौद्धिक जागरण के लिए मानवता के मूलभूत सिद्धांतों को दिया। उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक देशज शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य किया। उन्होंने मानव समानता पर आधारित सामाजिक सुधार के लिए गरीबों और दलितों का संरक्षक माना गया। आगे अगला क्वेश्चन है, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में उसके रचयिता रवि कीर्ति ने अपने आप को किसके समान वर्णन किया है? तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो है सी यहाँ पर सही है, और यहाँ पर डी, यानी कि भारवी और कालिदास के समान अपने आप को वर्णन किया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। कर्नाटक के बीजापुर में बादामी के निकट ऐहोल नामक स्थित है, ऐहोल नामक स्थान जो है वह स्थित है। यहाँ के चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय का एक अभिलेख ऐहोल अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसका रचयिता जैन कवि रवि कीर्ति था। इस अभिलेख में पुलकेशन द्वितीय के हाथों में हर्षवर्धन की पराजय का भी वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर हर्षवर्धन की पराजय किस में मिलता है, किस अभिलेख में? तो हमारा आंसर हो जाएगा चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से। इस अभिलेख में कवि ने कालिदास और भारवी के नामों का उल्लेख किया है, तथा पुलकेशन द्वितीय द्वारा विजित लाट मालव गुर्जर देश के राजाओं का भी उल्लेख किया है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे कि हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख मिल रहा है, भारवी और कालिदास के नाम मिल रहे हैं,
साथ ही पुलकेशन द्वारा विजित जो है लाट मानव मालव गुर्जर जैसे राजाओं का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया। तो ये महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और 2 दी गई हैं जिसका मिलान करना है। तो ये हिस्टोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। माइकल फूको एडवर्ड, तो इसका सही व्याख्या ही देखते हैं सीधे। तो यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है, माइकल फूको जो है वो है आर्कियोलॉजी, माइकल फूको जो है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। एडवर्ड सईद का है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म। हेडन वाइट का है मेटा हिस्ट्री और मार्क ब्लैक का है हिस्टोरियन क्राफ्ट। तो इस हिसाब से ये सही कूट बनेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे इतिहास का कार्य, इसके अलावा यहाँ पर हिस्टोग्राफी से रिलेटेड मैंने जितने भी अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं उसको अलग से एक वीडियो में बनाया हुआ है। आप उसको देख के भी जो हिस्टोग्राफी वाले पोर्शन है उस पर अपना अच्छा कर सकते हैं। आगे हैं साथ ही जो UGC नेट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो भी अपलोड किए हैं। तो जिसको विस्तार में पढ़ना है वो वीडियो देख सकता है। जिसको क्वेश्चन देखने हैं कि अब तक हिस्टोग्राफी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आप जाके हिस्टोग्राफी का फोल्डर में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास का कार्य, अब ये भी हिस्टोग्राफी से रिलेटेड है, कथन है। इतिहास का कार्य अतीत का मूल्यांकन करना है और भावी युगों के लाभार्थ वर्तमान का अनुदेशन करना है। तो यहाँ पर बताना है कि ये उपयुक्त परिभाषा किसकी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा JP गुच की जो है वो परिभाषा है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे यहाँ पर बात करेंगे व्याख्या की। तो जॉर्ज पी बॉडी गुच एक ब्रिटिश पत्रकार, इतिहासकार और लिबरल पार्टी के राजनीतिक थे। गुच को 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के यूरोप के एक महत्वपूर्ण संशोधनकारी इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने इतिहास के बारे में कहा है कि इतिहास का कार्य अतीत का मूल्यांकन करना है, यानी कि इतिहास का कार्य है जो बीती घटनाएं हैं उसका वर्तमान में मूल्यांकन करना है कि कितनी सही थी, ऐसे हो सकता था अगर ऐसे घटना होती। तो ये सारी है मूल्यांकन करना है एक तरह से। और भावी यानी कि जो भविष्य है, भविष्य भावी युगों के लाभार्थ वर्तमान का अनुदेशन करना है। तो भविष्य के लिए क्या लाभकारी है अतीत की चीज़ें उसको बताना, मूल्यांकन करना ही क्या है इतिहास का कार्य है। तो ये बताया है JP गुच ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित यात्रियों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में सबसे पहले इब्न बतूता यहाँ पर आते हैं, वो भी वर्ष 1017 से 1020 तक। और किसके समय आए थे, तो महमूद गजनवी के शासनकाल में अरबरूनी आए थे। इब्न बतूता जो है 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय। सीदी अली सईद जो है 1556 में आए थे अकबर के समय। विलियम फिंच जो है 1608 अकबर के जहांगीर के समय आए थे। तो यात्रियों के साथ साथ किसके समय में कौन सा शासक था जिस समय वो आए थे, ये भी हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मन के बनाने वाली कार्यशाला निम्नलिखित में से किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई है। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को UGC ने डिलीट कर दिया था। तो यहाँ पर हम इसका देखते हैं व्याख्या, यहाँ पर आंसर दिया है B और C यहाँ पर सही है। तो प्रमुख हड़प्पाई स्थल जो है लोथल, बनावली व चहुंदड़ो से मन के बनाने की कार्यशाला प्राप्त हुई है, जबकि आमरी को ऐसा स्थल माना गया है जहाँ
से सबसे पहले प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हुए रंगपुर से मुख्यतः धान की भूसी प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है यूजीसी ने डिलीट कर दिया था, तो आप इसको देख सकते हैं और अपना सही आंसर बता सकते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन है, फिरदौस मकानी बाबर के संस्मरणों को तुर्की से फारसी में अनुदित कर निम्नलिखित में से किसने अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया था और अत्यधिक प्रशंसा बटोरी थी? तो आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खान खाना का जो नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, उनके पिता बैरम खान मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। उनकी मृत्यु के पश्चात रहीम को अकबर ने अपने नवरत्न में शामिल किया था, मिर्जा खां की उपाधि प्रदान की थी। उन्होंने बाबर की आत्मकथा तुजू की बाबरी को फारसी में अनुवाद किया था। उन्हें अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी भाषा का जो था वो ज्ञान था। अगला क्वेश्चन है, एक सूची वन और दूसरी से मिलान करना है। एवान जो है एक स्तंभ युक्त वीथि यानी गैलरी था, तो वीथि जो है वो गैलरी था, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बारादरी जो है एक स्तंभ युक्त मंडप था, तो यहाँ पर हो जाएगा तीन और चार। काशीकारी जो है टाइल मैजॉक, तो यहाँ पर दूसरा। ट्रेबिएट जो है वो एक स्तंभ और लिंटन पर आधारित संरचना सिद्धांत था, तो यहाँ पर तीन चार दो एक जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, यहाँ पर एकदम सही है। आगे है, ऐसे क्वेश्चन का भी एक इकट्ठा वीडियो बना देंगे जिससे जो है ऐसा क्वेश्चन एक हमेशा एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलता है। तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है मुग़ल काल की, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आते हैं। तो अब तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसका एक अलग से वीडियो बना के अपलोड करूँगी, तो आप उसको ज़रूर देखिए। आगे है, उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने काजी की सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया था। तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी ही ऐसे व्यक्ति थे, सुल्तान थे, जिन्होंने काजी की सलाह पर शरीयत को क्रियान्वित करने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का एक ऐसा सुल्तान था जिसने उलेमा बर की उपेक्षा करते हुए धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया तथा अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मुमिनीन यानी खलीफा का नायब की उपाधि धारण की थी। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उसने राजनीति को धर्म में कभी भी प्रभावित होने नहीं दिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जितने क्वेश्चन हैं उसको भी छोटा छोटा करके अपलोड कर दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।